हाय गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज मैं बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसका आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपका फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर आप घर, ऑफिस या दुकान खरीदने वाले हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप कहेंगे भाई खुशखबरी कैसी, तो बता दूं आपको कि MTNL जो है वो अपनी संपत्ति बेच रहा है, अपनी 23,000 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रॉपर्टी अपनी बेच रहा है MTNL। तो अगर आप घर, ऑफिस या दुकान खरीदने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी कैसे है ये आपको पता चलेगा पूरी वीडियो देखकर। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके फायदे से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें आसानी से। सरकार दूरसंचार कंपनी MTNL ने अपनी 23,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को भुनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। और इसमें आपको बता दें कि इसमें 23,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो इसको भुनाने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। कंपनी की योजना है कि अगले वित्त वर्ष में लाभ की स्थिति में आना है, इसके लिए वो अपनी संपत्ति को किराए पर चढ़ाने या बेचने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। हालांकि MTNL पहले ही 6,200 करोड़ रुपए की संपत्ति को बेचने या किराए पर चढ़ाने के लिए निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को अपनी योजना सौंप चुका है। इसमें मुंबई में 36 एकड़ जमीन है, दिल्ली में दुकानें हैं और कार्यालय जो है, ऑफिसेज जो है नोएडा में शामिल है, नोएडा में इसमें घर शामिल है। तो इसके अलावा बता दें आपको कि MTNL के जो चेयरमैन है और प्रबंधक निदेशक सुनील कुमार है, उनका कहना है कि हमने 23,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की पहचान की है जिसे बेचा जा सकता है या किराए पर चढ़ा जा सकता है। और ये सभी जो प्रॉपर्टी है वो स्पेशली दिल्ली और मुंबई के मुख्य जगहों पर है, और इन्होंने 6,200 करोड़ रुपए की संपत्ति को बेचने या किराए पर चढ़ाने की योजना जो है वो सौंपी है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और संपत्ति बिक्री प्रक्रिया के पूरा होने के साथ ही ये अगले वित्त वर्ष में लाभ की स्थिति में आने की उम्मीद करते हैं। बता दें कि 14,387 जो कंपनी के कर्मचारी हैं उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में रुचि दिखाई है, और इनको उम्मीद है कि इससे MTNL को सालाना 1,700 करोड़ रुपए की बचत होगी। घाटे में चल रही सरकारी दूरसंचार कंपनी में कुल 18,422 कर्मचारी है। इन्होंने ये भी कहा है कि रियल एस्टेट कंपनी की बिक्री करके या किराए पर चढ़ाकर 2020-21 में 7,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रख रहे हैं। इसका उपयोग कर्ज पुनर्गठन के साथ साथ आधुनिकीकरण में किया जाएगा, और कंपनी को मुंबई के जो मेन जगह है जैसे कि वसई हिल, मलुंड, सिम्फोली जैसी जगहों पर अपनी जमीन की बिक्री से लगभग 5,000 करोड़ रुपए मिलने का जो है वो अनुमान है। और ये जो सुनील कुमार है ये बताते हैं कि MTNL की संपत्तियां जो है प्रमुख स्थानों पर है, इनकी संपत्तियों पर रहने के साथ साथ व्यापार के लिए परिसर बनाए जा सकते हैं। दिल्ली में करीब 1,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को किराए पर चढ़ाने या फिर बेचने की प्रक्रिया शुरू की गई है, और MTNL की दिल्ली में जहां 60 DDA मार्केट में दुकान और ऑफिस है, वहीं नोएडा में 96 क्वार्टर और मुंबई में विभिन्न जो आवासीय परिसर है 398 मकान है, इन्हें इस प्रक्रिया से पहले चरण में शामिल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट कार्यालय में काफी हद तक खाली किया जा रहा है, और कंपनी ने जनपद में प्राइम ऑफिस स्पेस खुर्शीद लाल और CGO बिल्डिंग में अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के कुछ हिस्सों को खाली करना शुरू कर दिया। MTNL को किराए के जरिए हर साल 500-600 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। MTNL को 2018-19 में 3,388.7 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, और जो इनकम है वो 2,085.41 करोड़ रुपए थी, उस पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। तो इसी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, इसी कर्ज को निपटाने के लिए इन्होंने यह योजना जो है वो शुरू की है, योजना शुरू होने जा रही है। तो इसका आप भी फायदा उठा सकते हैं। आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको देती रहूंगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों ये आप जो इन्फॉर्मेशन हमसे देखते हैं, हमारे चैनल पर देखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको न्यूज चैनल्स के मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। कई बार ऐसा होता है हम पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, न्यूज चैनल नहीं देख पाते, या देखते भी है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम 24 घंटे न्यूज चैनल देख पाएं और 24 घंटे ही नजर रखें कि कौन सी खबर आपके काम की है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो काम की खबरें होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो हम देख नहीं पाते और वो छूट जाती है। तो हम इस तरह की इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स तक, ताकि जो लोग हैं उन तक ऐसी खबरें पहुंच जाए, ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जो उनके लिए जरूरी है, जिसमें उनका फायदा छुपा है। तो इसी तरह की जानकारी और इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। किस तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी आप हमसे जानना चाहते हैं, या कौन सी अपडेट्स है जो हमसे जानना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी।
और हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं ज्यादातर ईडब्ल्यूएस की वीडियो को लेकर। तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के दिल्ली में जो एडमिशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एडमिशन फॉर्म निकलेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगी और आपको बताऊंगी कि एडमिशन फॉर्म कहाँ, कैसे और कब फिल करने हैं, किस तरह से फिल करने हैं और एडमिशन कैसे होगा। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे जुड़ी रहूंगी, वीडियोस देखने को आपको मिलते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय गाइस।